बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल पर ये लो जॉब ले लो जी। आज 28 अगस्त 2022 की सारी नौकरियां पाकिस्तान भर के सारे अखबारों से ढूंढ कर ये देखें आपके लिए लेकर आ गया हूं। एक एक जो नौकरी है वो आपको मैं क्लियर करके बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश करूँगा कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही डेली बेसिस पे मैं देखें वीडियोस लेकर आता हूँ पाकिस्तान भर के सारे अखबारों से ढूंढकर। अब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको जगह जगह तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक जो नौकरी है वो सारे अखबारों से पाकिस्तान भर के इकट्ठी करके आपके लिए एक ही वीडियो में लेकर आ जाता हूँ। आपको बस अपनी पसंद की नौकरी पर देखना होता है, अप्लाई करना होता है। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि डेली बेसिस पर मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ, आपको रोज़गार का मौके मिलते रहें, आप जो है अप्लाई करते रहें और आप सबका रोज़गार लगता रहे। आप मुझे भी दुआएं दें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि उनका भी रोज़गार लग सके और वो भी आपको दुआएं दें। चलें जी शुरू करते हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। जिसकी नहीं समझ आती आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो क्वालिटी को आपने अपनी इच्छा करना होता है ताकि आपको ऐड क्लियरली नज़र आ जाए। मैं 5 से 6 सेकंड ऐड पे रुकता हूं, थोड़ा सा बताता हूं क्योंकि अगर डिटेल में बताऊँ तो ये वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा की बन सकती है। चलिए शुरू करते हैं जी। देखें जी, ये डिप्टी कमिश्नर कुहाट में जो पटवारी इनको चाहिए, 9वें स्केल की जॉब है, उम्र भी लिखी हुई है, सारी तलीमी काबिलियत लिखी हुई है। आपके सामने जूम करके मैंने दिखा दिया है, ये सारी जो डिटेल है वो लिखी हुई है, ठीक है। ये सारी डिटेल मैंने 2 से 3 सेकंड रुका हूँ, जल्दी से अप्लाई करें जी आप इस पर। ये देखें आपके सामने पूरा एक ऐड है, जल्दी से अप्लाई करें। देखें आप आगे चलते हैं, ब्यूटिशियन टीचर्स इनको चाहिए, तो जो भी अप्लाई करना चाहता है नंबर आपके सामने है। ये देखें नंबर आपके सामने है। वीडियो क्वालिटी आप अपनी अच्छी कर लें, आपको नज़र आ जाएगा। देखें फिर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में चौकीदार और सिक्योरिटी गार्ड चाहिए इनको। तो देखें जी सारी टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको जूम कर दी हैं। देखें सारा कुछ लिखा हुआ है, अप्लाई करने का तरीका भी लिखा हुआ है, अपनी CV आपने कैसे सेंड करनी है, किधर सेंड करनी है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है। 5 से 6 सेकंड मैं इस ऐड पे रुकूंगा। चले आगे चलते हैं। देखें जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद में ये जॉब है, फोटो स्टेट जो मशीन होती है उसका ऑपरेटर इनको चाहिए, तो एक ही बंदा इनको चाहिए। मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसको भी चलाने आती है वो सारी डिटेल आप लिखी हुई है। ये देखिए अप्लाई आप कर सकते हैं आज से 15 दिन के अंदर अंदर, मतलब अगर आज 28 अगस्त है तो आप ऑलमोस्ट 12 सितंबर या 13 सितंबर से पहले पहले अप्लाई करते हैं इस पर। देखें जी, ये आपके सामने मैंने 2 से 3 सेकेंड ऐड चलाया। चले आगे चलते हैं। देखें जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर में ये जॉब है, तो बेलदार इनको चाहिए, तादाद 2 तादाद है। फिर आगे लिखा हुआ है कि किधर किधर चाहिए, सारी डिटेल आपके सामने है। मैं जूम करके आपको 5 से 6 सेकंड ऐड को चला देता हूँ। 14 तारीख जो है वो इसकी ऑलमोस्ट लास्ट डेट है, तो जल्दी से जाएं जी, और 15 को इसके इंटरव्यू होंगे, 15 सितंबर को। चलें जी आगे चलते हैं। देखें जी, मैनेजर फाइनेंस में चाहिए इनको, इस्लामाबाद की जॉब है, तो MCOM वाले जिन्होंने किया हुआ है, CA जिन्होंने किया हुआ है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें इस साइड पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी से जाएं जी अप्लाई करें। ये नेशनल टेस्टिंग सर्विस में जॉब है जी, तो जो भी अप्लाई करना चाहता है इधर जाए जी, इधर जाके ये इस पर अप्लाई कर सकता है। मैंने आपके सामने 2 से 3 सेकेंड ऐड चलाया। चले आगे चलते हैं। ये देखें जी, UNDP है, इसमें जॉब है, ट्रेनर चाहिए जी इनको, TMA बजट प्रिपरेशन के लिए कंसल्टेंट जो है। जो भी अप्लाई करना चाहता है 2 सितंबर से पहले पहले अप्लाई कर सकता है। मजीद डिटेल देखनी है आपके सामने वेबसाइट है, ये देखें जी, इस पर आप मजीद डिटेल देख सकते हैं। चलें आप आगे चलते हैं। गायनाकोलॉजिस्ट चाहिए जी, नंबर आपके सामने है, मेल आपके सामने है, जो भी अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है जी। चलें जी आगे चलते हैं। BCOM, IIM वाले अप्लाई करें जी, इस नंबर आपके सामने है, इस पर कंटेक्ट करें जी। ये देखें जी नंबर मैंने आपके सामने जूम कर दिया। ये देखें जी सारी नौकरियां आ गई जी। देखिए सिचुएशन वेकेंट है, प्रोफेसर चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए, लेक्चरर चाहिए, लेक्चरर चाहिए, ये सारी जो है वो लेक्चरर की जॉब्स हैं। तो आगे डिसिप्लिन लिखे हुए हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, मैथ्स, किस किस चीज़ का लेक्चरर चाहिए। ये वाह जो कैंट है, वाह जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वाह है, उसमें जो है ये जॉब्स हैं। तो ये देखें सारी जॉब्स हैं जी आपके सामने, 15 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है, यानी वही 13 सितंबर। मजीद डिटेल देखनी है आप इधर से देख सकते हैं। ये देखें आपके सामने वेबसाइट है, ये मैं कोशिश करता हूं कि क्लियर आपको दिखाऊं, लेकिन न्यूज़पेपर से उठाना होता है तो ऐसे ही रिज़ल्ट कुछ अच्छा आ जाता है, कुछ जो है वो बिल्कुल लो आता है।
देखें जी ये जॉब है। दूसरे चैनल्स पे आप जाते हैं तो ये देखें, ये इसकी एक पूरी वीडियो उन्होंने बनाई होती है इसको एक्सप्लेन करने के लिए 5 से 6 मिनट की। मेरे चैनल पर एक ही वीडियो में आपको 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है, उस पर पाकिस्तान भर के जितने भी न्यूज़पेपर हैं उसकी सारी जॉब्स आ जाती हैं। देखें जी मैंने 5 से 6 सेकंड के लिए रोका है इसको, जो भी अप्लाई करना चाहता है अप्लाई करे जी। ये देखें जी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं लेक्चरार की, मैं एक दफ़ा और आपको जूम करके दिखा देता हूँ, चले आगे चलते हैं। देखें जी फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट है जी, इसमें जॉब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चाहिए इनको, जो भी अप्लाई करना चाहता है। टोटल आपके सामने डिटेल है, सारी मेल आपके सामने है, 15 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है, वही 12 से 13 सितंबर। 5 से 6 सेकंड के लिए मैं ऐड को आपके लिए चला रहा हूँ, चले आगे चलते हैं। देखें जी लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, उसमें ये जॉब्स हैं जी, तो ये देखें जी मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रहा हूँ। फैकल्टी चाहिए इनको, 12 नंबर चाहिए जी, ये सारी आगे डिटेल लिखी हुई है, एजुकेशन लिखी हुई है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है कि आपका CGPA कितना होना चाहिए, मार्क्स कितने होने चाहिए, तो ये थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको दिखा दूँगा। ये देखें जी फिर आगे जाएँ, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में जॉब है तो MS MPhil वाले अप्लाई कर सकते हैं। देखें साइकोलॉजी क्रिमिनोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए जॉब्स हैं, ये सारी जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए, मैथमेटिक्स। देखिए फिर फैकल्टी ऑफ अरेबिक्स है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाऊंगा अगर मैं आपको, तो वो कहते हैं 3 CGPA आपका मैक्सिमम हो, ठीक है। तो ये देखें ये सारी डिटेल आपको लिखी हुई है, ये सारी डिटेल आपको लिखी हुई है, तो जो भी अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। ये देखिए आपके सामने टोटल डिटेल है, 17 सितंबर जो है वो इसकी लास्ट डेट है, तो जल्दी से जाएँ जी इधर अप्लाई करें जी। ये देखें जी आपके सामने सारा ऐड मैंने एक दफ़ा आपको दिखा दिया, जल्दी से जाएं जी, 12 सितंबर 2022 जो है वो इसकी लास्ट डेट है, तो जल्दी से जाएं जी इधर अप्लाई करें। चलें जी, टीचर्स चाहिए जिनको गुलबर्ग में, फीमेल पाक स्टडीज़ इस्लामियात का टीचर चाहिए इनको, जो भी अप्लाई करना चाहता है, नंबर आपके सामने है, मेल आपके सामने है, ये देखें जी अप्लाई करें जी। देखिए जी इनको भी टीचर चाहिए जी, मुख्तलिफ अखबारों से ढूंढ कर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें। देखें जी LDC है और एक कुक की जॉब है, तो जो भी अप्लाई करना चाहता है टोटल ऐड आपके सामने है, ये देखें अप्लाई कर सकता है 5 सितंबर 2022 से पहले पहले। ये देखें जी इनको सिविल इंजीनियर चाहिए जी, तो जो भी कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, कंस्ट्रक्शन की फील्ड से जिनका ताल्लुक है, देखें जूनियर इंजीनियर इनको चाहिए। देखें फिर क्वांटिटी सर्वेयर चाहिए, फिर सुपरवाइज़र चाहिए, तो DEA सिविल वाले, डिप्लोमा वाले और इंजीनियरिंग वाले सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और डिटेल देखनी है तो ये आपके सामने पूरी एक वेबसाइट है www.HMC.PK, इस पर आप जाकर डिटेल देख सकते हैं। चलें आप आगे चलते हैं। ये देखें जी ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद में, इधर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, सारी डिटेल आपके सामने है, मैंने आपका पूरा एयर दिखा दिया। बैचलर वाले अप्लाई कर सकते हैं, CS वाले या IT वाले अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट चाहिए इनको तो बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, फिर जूनियर क्लर्क चाहिए इनको, सारी डिटेल मैंने आपके सामने दिखा दी। ये देखिए टोटल मैं ऐड को चला रहा हूँ, अप्लाई कैसे करना है ये आपको वेबसाइट उन्होंने बता दी, इस पर आपने जाके अप्लाई करना है, अगर नहीं समझ आता तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए जी मैंने सारा ऐड आपके सामने 5 से 6 सेकंड के लिए चला दिया। ये देखें जी आप अगर ऐड को देखना चाहते हैं तो आप पास करके भी देख सकते हैं, मैं वैसे थोड़ी देर रुकता हूँ ऐड पर, चले आगे चलते हैं। देखें जी फूड डायरेक्टोरेट की खैबर पख्तूनख्वा में जॉब है, तो ये देखें जी पोस्ट है जी, प्रोजेक्ट असिस्टेंट है जी, तो कंप्यूटर साइंस वाले, IT वाले, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले सारे अप्लाई कर सकते हैं इसमें। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, 2 पोजीशन है। फिर देखिए ऑफिस बॉय की जॉब है, मैं और जूम करके दिखा देता हूँ, 4 पोजीशन है। तो स्वीपर की जॉब है, कम से कम पढ़ना लिखना जानता हो, जल्दी से अप्लाई करें जी, जिन्होंने ऑफिस बॉय लगना है, स्वीपर लगना है, जिन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर लगना है और जिन्होंने प्रोजेक्ट असिस्टेंट लगना है, सारी डिटेल आपके सामने है। ये देखिए जी सारी डिटेल आपके सामने है, ये मैंने आपको दिखा दी, अप्लाई कैसे करना है वो भी सारा तरीका इस पर लिखा हुआ है, अगर किसी को नहीं समझ आती तो वो मुझसे पूछ सकते। 13 सितंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है, जल्दी से जाएँ जी अप्लाई करें जी। ये देखें जी अब आ गया जी कराची अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट है, इसमें देखें जी ये बंदे चाहिए इनको, जनरल टेक्निकल एक्सपीरियंस जो है, स्पेसिफिक टेक्निकल एक्सपीरियंस हो, ओवरऑल मैनेजमेंट कैपेसिटी हो, देखें जी ट्रैक रिकॉर्ड भी रखता हो, ये सारा उन्होंने क्राइटेरिया बता दिया है, ये पूरा ऐड मैंने आपको दिखा दिया है। देखिए जी ये सारा ऐड मैंने आपको दिखा दिया, जो भी अप्लाई करना चाहता है सारी डिटेल आपके सामने है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें जी पूरा ऐड मैं और 5 से 6 सेकेंड इसको चलाऊँगा, क्योंकि ऐड पढ़ना है आपने, पास करके भी पढ़ सकते हैं। चले आगे चलते हैं। लाइब्रेरियन चाहिए जी इनको, तो सरकारी इदारा है ये मुल्तान कैंट में, जो भी अप्लाई करना चाहता है 15 सितंबर से पहले पहले अप्लाई कर सकता है, सारा एड्रेस आपके सामने है, सारी डिटेल आपके सामने है, अप्लाई करें जी।
देखिए जी, कतर में जॉब ये सारे बंदे हैं, किसी को भी आपने पैसे नहीं देने होते। अगर कोई पैसों की डिमांड करता है तो वो फ्रॉड है। ये देखें जी, ये सारी जॉब्स हैं, जो भी अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है इस पे। ये मैं अथॉरिटी सोर्स न्यूज़पेपर से उठाता हूँ। देखें जी ये सारा, अच्छा ये देखिए, अब HAT है, हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट है ये। ये क्या टेस्ट है? ये एक टेस्ट होता है, HEC वाले ये टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, ताकि जो भी स्कॉलरशिप्स हैं या MS या MPhil में किसी ने एडमिशन लेना है तो वो उस पर इसका टेस्ट देना पड़ता है स्कॉलरशिप्स हासिल करने के लिए। तो अप्लाई कैसे करना है, ये तरीका सारा लिखा हुआ है। देखें जी, सारी टेक्नोलॉजी, सारी डिसिप्लिन लिखे हुए हैं कि इसी डिसिप्लिन में अगर आपने MS या MPhil करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 25 सितंबर जो है उसको ये टेस्ट हेल्ड होगा, ठीक है। टेस्ट जो है वो ये इन इन इलाकों में लिया जाएगा। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है, अप्लाई करने का तरीका ये है कि ये साइट दी हुई है, इस पर विजिट करें, ठीक है। और ऑनलाइन जो है वो रजिस्ट्रेशन होगी। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है जल्दी से जाए जी इस साइट पर अप्लाई करें। लास्ट डेट जो है वो रजिस्ट्रेशन की 12 सितंबर है। ये मैं ऐड थोड़ा सा और आपको चला के दिखा दूँ। जो भी स्कॉलरशिप्स लेना चाहता है जिधर जा सकता है। चले आगे चलते हैं। ये देखें जी, जैज़ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का हिस्सा बने, तो जो भी बनना चाहता है ये सारा उन्होंने डिटेल लिखी हुई है। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। 5 सितंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। अगर किसी को कुछ चीज़ नहीं समझ आती तो वो मुझसे पूछ सकता है। देखें जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, इसमें जॉब है मुल्तान में। तो ये देखें जी, इंस्ट्रक्टर चाहिए इनको। तो डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रक्टर, सिविल वाले, डिप्लोमा वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, जो भी है मैकेनिकल वाले, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सारी डिटेल आपके सामने है। ये देखें, 5 सितंबर से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। टोटल एड्रेस आपके सामने है, अपनी अपनी जो CV है, वो टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपने इस एड्रेस पर भेज देने हैं, ठीक है। जॉब्स मैंने आपको दिखा दी कि इंस्ट्रक्टर जो है वो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तो ये जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है जी अप्लाई करें। मैं 5 से 6 सेकंड ऐड पे रुक रहा हूँ, चले आगे चलते हैं। ये देखिए जी, गैनको होल्डिंग कंपनी है जी, इसमें ये जॉब्स हैं जी डिप्टी मैनेजर की और डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स की। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है सारी डिटेल आपके सामने है, ये एड्रेस आपके सामने है, इस पर आपने अपनी CV भेजनी है। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। देखें जी, आपके सामने ये जॉब अपॉर्चुनिटी है, फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट है, 18 सितंबर लास्ट डेट है। अप्लाई जो भी करना चाहता है कर सकता है। ये मैं मानता हूँ कि ये क्लियर नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि मैंने इसकी बहुत कोशिश की कि इसको मैं आपको HD रिज़ल्ट में दिखाऊं, तो लेकिन ये नहीं मैं मिल सका मुझे। तो जैसे ही इसका ऐड आएगा तो मैं इसको प्रॉपर HD भी दिखा दूँगा आपको। तो देखिए जी, सिचुएशन वैकेंट है, BCOM वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें, फार्म सुपरवाइजर्स है, और देखिए ट्रैक्टर ड्राइवर है। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। डिटेल आपके सामने है, टोटल एड्रेस आपके सामने है। तो 12 सितंबर से पहले पहले आपने अप्लाई करना, जल्दी से जाएं जी अप्लाई करने। देखिए जी, मेडिकल में ये जॉब है, तो जो भी अप्लाई करना चाहता है, रेडियोलॉजिस्ट इनको चाहिए, नंबर आपके सामने, अप्लाई कर सकता है। देखिए, फीमेल डेंटल असिस्टेंट चाहिए इनको, जो भी अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर दे। देखिए जी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी कंपनी में इनको जो है वो स्टाफ चाहिए, जो भी अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। फीमेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए, जो भी अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। टीचर्स इनको चाहिए, जो भी अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है, नंबर आपके सामने है। चले जी, असातिज़ा इनको चाहिए, जो भी अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर इनको चाहिए, MSc फिजिक्स के टीचर चाहिए, नंबर आपके सामने, अप्लाई कर दें। हाई सेक्शन के लिए क्वालिफाइड और तजर्बाकार टीचर चाहिए, जो भी अप्लाई करना चाहता है। ये देखें, इधर भी टीचर्स चाहिए, जो भी अप्लाई करना चाहता है, नंबर आपके सामने है। देखें जी, इनको स्टाफ चाहिए, जो भी अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। मैं थोड़ी सी देर ऐड को इसको चलाता हूँ। देखें, 28,000 तनख्वाह देंगे ये। सिक्योरिटी गार्ड इनको चाहिए, नंबर आपके सामने, अप्लाई कर दें। देखें जी, ये सारी जॉब मैं पाकिस्तान भर से ढूंढ के, पाकिस्तान के सारे अखबारों से ढूंढ के आपके लिए लेकर आता हूँ। बस गुजारिश ये करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना भी रोज़गार लगवाएं, दोस्तों का भी रोज़गार लगवाएं, मुझे भी दुआएं दें, खुद भी दुआएं लें। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, इसी तरह ही डेली बेसिस पर वीडियो लेकर आऊँगा। और जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उसमें आप देख सकते हैं कि दुबई को आप कंपनी को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या अपनी CV डायरेक्ट कंपनी को सेंड कर सकते हैं, एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और प्राइवेट जॉब्स पाकिस्तान भर की जितनी भी होंगी, वो सारी जो जॉब्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ आएँगी, आज ही आएँगी इंशाल्लाह, उसमें वो मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, नकली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।